कक्षा सिक्स और सेवन्थ। विषय क्या है? संस्कृत। हमारा चल रहा है संधि प्रकरणम में हमारा स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। हम इसके उदाहरण कर रहे हैं। आज हम करेंगे उससे संबंधित उदाहरण। जैसे विष्णु पहला उदाहरण है। विष्णु प्लस उदया। अभी देखिए पहला पद या दूसरा पद, पहले पद के अंत में छोटा हुआ आ रहा है, दूसरे पद के शुरुआत में छोटा हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप बड़ा हुआ में बदल जाएंगे। अब पहले पद के अंत से हम ऊ को हटा दिए तो ये आधा हो गया। इन दोनों ऊ को जोड़ करके बड़ा ऊ बनाए हैं प्लस दया। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? विष्णु दया। क्या बन जाएगा? विष्णु दया। दूसरा उदाहरण है भानु प्लस उष्मा। भानु प्लस उष्मा। पहला पद दूसरा पद, पहले पद के अंत में देखिए छोटा हुआ है, दूसरे पद की शुरुआत में बड़ा हुआ, दोनों को जोड़ने से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब नौ के अंदर से उ हटा लिए तो नौ आधा, इन दोनों को जोड़ करके बड़ा हुआ प्लस आधा स मा और विषय, यहाँ जोड़ देते हैं तो भानुष्मा। क्या बन जाएगा? भानुष्मा। क्या बन जाएगा? भानुष्मा। नंबर तीन पे उदाहरण है गुरु प्लस उपदेशक। गुरु प्लस उपदेशक, ठीक है। पहला पद दूसरा पद, र में छोटा उ है, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में छोटा उ, दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा उ में बदल देंगे। अब र में से उ हटा दिए तो र बड़ा उ प्लस पदेशा जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे लग जाएगा, बीच में बिंदी आ जाता है तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। पदेशा तो बन जाएगा गुरु पदेशा। नंबर चार पे दिया है वधु प्लस उत्सव। वधु प्लस उत्सव। पहला पद दूसरा पद, पहले पद के अंत में बड़ा हुआ रहा है, दूसरे पद की शुरुआत में छोटा हुआ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप में बदल जाएंगे। ध के अंदर से वो हटा दे ध आधा, इन दोनों को जोड़ करके बड़ा ऊ बनाए प्लस त सवा, आपस में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? वधुत सवा। क्या हो जाएगा? वधुत सवा। क्या बन जाएगा? वधुत सवा। उदाहरण नंबर पाँच है भानु प्लस उदया। भानु प्लस उदय। पहला पद दूसरा पद, छोटा हो प्लस छोटा हो, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बड़ा हो। छोटा हो प्लस छोटा हो, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बड़ा हो। अब नौ के अंदर से वो हटा लिए तो नौ आधा, इन दोनों ऊ को जोड़ करके बड़ा हो किए प्लस दया, अब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? भानु दया। क्या हो जाएगा? भानु दया। भानु दया। मधु प्लस उत्तमम। मधु प्लस उत्तमम। पहला पद दूसरा पद, छोटा हो प्लस छोटा हो, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बड़ा हो। ध के अंदर से ऊ निकाल दिया, इन दोनों को जोड़ करके बड़ा हो प्लस तम, जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मधु तमम। क्या बन जाएगा? मधु तमम। क्या बन जाएगा? मधु तमम। तो इस प्रकार से बड़े ही सरलता से आप इन संधियों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि
बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इनके नियमों को, तरीकों को आपको सही ढंग से सुचारू रूप से सीखने का प्रयास करें। यदि नियम और तरीके को आप सही ढंग से समझ गए कि कहाँ पे क्या करना है, तो उदाहरण आप बड़े ही सरलता से कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप नियम को न समझ करके उदाहरण को याद करेंगे, यदि आप नियम नहीं समझते हैं उदाहरणों को याद करते हैं, तो आप आगे जा करके अन्य उदाहरण इनके अलावा यदि आपके पेपर में दे दें तो आप उसको हल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप उदाहरण को याद ना करें, नियम समझें कि उदाहरण किस प्रकार से। यदि आप इन बातों को समझ जाओगे तो आपको पुस्तक के अलावा कहीं से भी, एक बार बता दो, ग्रामर की कोई सीमा नहीं होगी, नियम के आधार पर कहीं से भी आपको शब्द उठा के दे सकते हैं। इसलिए आप नियमों को फॉलो करें, न कि उदाहरण याद करें।